तो हॉस्टल के बारे में कौशिक भाई ने बताया वो हॉकी खेलते थे सर ये सेवेंटी नाइन बैच में थे वो तो आई थिंक उस टाइम वो उनकी कॉलोबोन टूट गई थी जब इंडिया को वर्ल्ड कप में अच्छा किया था तो हमारा जो स्टेडियम था ध्यानचंद स्टेडियम से बड़ा जाना जाता है वो वो हॉकी के बहुत तगड़े प्लेयर आते थे वो तो वो, वो एक हाँ नहीं नहीं लखनऊ स्पोर्ट्स कॉलेज तो वो वहाँ पर गए थे वो तब उन्होंने बोला कि आप उनको सोनू को उधर डाल दीजिए बड़े भैया के साथ वो ऑनर्स फैक्ट्री में काम करते थे फिर मैं गया था नाइन्टी में उधर कैसे दाखिला होता है स्पोर्ट्स सर मेरठ सिलेक्शन हुआ था मेरठ में ट्रायल था कम से कम ये तो तीन हज़ार बच्चे थे वहाँ पर और उसमें से हर रीजन में पूरे उत्तर प्रदेश में ट्रायल होते थे वो गवर्नमेंट हॉस्टल के लिए वो तो हर डिस्ट्रिक्ट से हम लोग दो सौ बच्चे जाते थे जितने भी डिस्ट्रिक्ट यूपी सारा फिर वो बच्चे जाते थे स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ में ट्रायल देने के लिए उसमें क्लास नाइन टेंथ इलेवंथ ट्वेल्थ नाइन्थ में पंद्रह बच्चों का सिलेक्शन हुआ कम से कम दस बारह हज़ार होंगे बच्चे नीरज बहुत बच्चे आते थे उधर वो फीस थी दो सौ रुपये तो सिलेक्शन हुआ फिर वहाँ से मुरादनगर सेलेक्ट करके मेरठ में मेन ट्रायल हुआ मेरठ से मेन ट्रायल था चार दिन का यहाँ पर उसमें आपका पूरा बॉडी टेस्ट होता है आपका चौबीस सौ मीटर टेस्ट होता है हंड्रेड मीटर स्प्रिंट होती है आपका फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट होता था और मार्कशीट अगर आप पढ़ाई करते हो तो वो भी देखते थे वो लोग मैंने कहा हो ही जाएगा सिलेक्शन मतलब पढ़ाई का वो मेडिकल सारा मैंने फिटनेस में तो अच्छे थे सारे वो तो वो बड़ा था इतने सारे बच्चों का ड्रीमे नाइनटी एट की बात है सौरभ भाई और कोई पैरवीर भी तो नहीं चलती थी वहाँ उस टाइम नहीं था, था सिर्फ दो सौ रुपये दो और अगर आप टैलेंटेड आग हो तो क्योंकि उस टाइम क्रिकेट मतलब पूजा जाता था वो कमर्शलाइज तो बाद में क्या होता हो था कितनी गेंदें खेलने में क्या क्या हो? दो बॉल चार बॉल आप इमेजिन करो अगर पंद्रह हजार बच्चा है तो आप किस हिसाब से वो जज करेंगे वो कभी किसी ने दो शॉट खेले कोई बॉलर गलत फंस गया वो बाहर डाल रहे बॉल तो मुझसे चार पाँच बॉल ही मिली होगी वो जब लखनऊ में छटनी होगी तो वहाँ एटलीस्ट मिली होगी कम से कम पंद्रह बॉल फिर उसमें से गवर्नमेंट का हॉस्टल है सेटिंग भी होती होगी कोचिज़ के कोई फेवरेट होंगे लेकिन दस हज़ार रुपये साल का एजुकेशन स्टेइंग फूड आपको लॉजिस्टिक्स सब फ्री में आप गवर्नमेंट के किसी ऐसे सेटअप में जहाँ पे ऑलरेडी सात आठ गेम है वहाँ पे लॉन टेनिस बैडमिंटन एथलेटिक्स हॉकी फुटबॉल और चेस और अपना क्रिकेट सात आठ गेम होते थे वहाँ पर सब वहाँ अलग अलग रहते हैं बच्चे के तीन जोमेट्री थी हमारी वो ऊपर क्रिकेट नीचे फिर हॉकी उसके फिर फुटबॉल उसमें फिर अपना टेनिस और लॉन टेनिस क्योंकि ये कम से कम नहीं तो डेढ़ सौ दो सौ एकड़ में बना होगा वो जैसे मोहम्मद कैफ आ, कानपुर हॉस्टल में थे ग्रीन पार्क मैं आर पी सिंह आशीष और जैदी भाई वो हमारे सीनियर थे वो बहुत साल पहले वाले बैच के थे वो फिर एक शाहिद सर सुना होगा अपने अलीगढ़ के प्लेयर थे उनके वो भी थे वहाँ पर स्पोर्ट्स कॉलेज में तो वो हमारे वाला बैच था ग्ञ्र पांडे भी लखनऊ गोमती नगर हॉस्टल में थे रिजवान भाई कैफ भाई ये लोग कानपुर हाँ रिजू भाई वो उधर थे वो तो बट लखनऊ कानपुर का फिर वैसे सारे जो कानपुर में ट्रायल्स होते थे वो फिर कानपुर सारे बच्चे वैसे आते थे वो क्यों हमें तोज्जो नहीं मिलता था कि ये तो और कॉलेज के हैं ये तो आएंगे तो बच्चे बहुत आते थे वो सिर्फ उत्तर प्रदेश रणजी ट्रॉफी में आने के लिए अंडर फिफ्ट में आने के लिए अंडर फोटीन में आने के लिए अंडर नाइनटीन कोच बिहार में आने के लिए तब तो मैं आपको पता है कितना बड़ा एक अलग ही सेटअप है वो उस टाइम कंपटीशन बहुत ज़्यादा था वो और वहाँ पे लाइफ कैसी थी लाइफ तो बहुत बेकार थी वो क्योंकि घर में आप खाना खाते हो साफ़ सुथरा है वो कपड़े भी खुद धोने पड़ते थे वो खाने की क्वालिटी मिलता वैसे थी वो बिल्कुल बस जुनून था खेलने का वो दो चार रुपये की समोसे चाय या बर्फी मिल जाती थी वो उसमें ही काम चल जाता था वो दाल चावल डाइट धीरे धीरे बैटर हुई फिर मैं एक साल के बाद मेरी स्कॉलरशिप लग गई थी पर सीनियर बहुत परेशान रैगिंग मैं छोड़ के आ गया था जितना परेशान हो गया क्या था क्या करते थे मतलब तो पानी डाल देना ठंडा उसके बाद कपड़े धुलवाते थे मुझसे क्योंकि मैं इतना थक जाता था छोटा सा था मैंने कहा कपड़े मैं कैसे धो मैं अपने ही धो पा रहा वो मारते थे फिर वो और चिट्ठियाँ लिखते थे उस टाइम घर में फ़ोन होता नहीं उतने पैसे होते नहीं तो चिट्ठी पहुँचती थी फिर वहाँ से आती थी मैं घर तो बताता नहीं था अफकोर्स कि वहाँ मम्मी पापा परेशान होंगे वो फिर ज़्यादा हो गया तो फिर मैं रात को बैग पैक किया मैं निकल गया मैंने कहा मुझसे नहीं हो पा रहा वो कितने साल के थे आप तक ये बात होगी आई थिंक बारह साढ़े बारह तेरह साल

घर से इतनी दूर आए हुए हो तो मैंने कहा अगर तू जाएगा तो मेरे साथ ही रहता था वो तो डर लगा रहता था वो तख्त ऐसे तख्त पे सो रहे कोई पानी डाल गया कोई पान खा रहा है उसने थूक दिया वो तो मतलब वहाँ तक होता था वो पान खा रहा है और किसी आदमी के ऊपर आप लोगों के ऊपर लोग थूक दिया हाँ कोई भी सीनियर हो सकता है जिसको ये शौक होंगे वो हो। तो उनको और सीनियर रोकते नहीं थे क्योंकि हम लोग नाइन्थ वाले टेंथ के साथ रहते थे एलेवंथ वाले ट्वेल्थ के साथ रहते थे तो उसमें सीनियर कभी भी रैगिंग पे आ सकता है वो 99, जब सीनियर मतलब टेंथ का टेंद का भी इलेवंथ का भी तो ग्रुप रैंकिंग होती थी वो हो, तो कुछ भी बात में रोलिंग क्यों नहीं करी आपको करना चाहिए था हम बैटिंग करने आएंगे और मैं तो यूपी वाला गाजेवाल टाइप का था तू तो तड़ाका चलता था वो तहजीब थी नहीं वो हम तुम तो ऐसे ले लीजिए या खा लीजिए ऐसा पता ही नहीं था वो उसमें भी काफ़ी कंटाव खाए हमने एक प्रसाद गोरखपुर के वो तो बहुत ही बिटवाया और एक मुरादनगर के सुरेश है ना अलग था कभी ऐसा नहीं होता था थी था था एकदम मजदूर एक था जिंदाबाद सब लोग एकदम नहीं हम नहीं, नहीं मैंने किया है बहुत मैंने भी मारा है बाद में जब मैं थोड़ा खेलने लगा थोड़ा जब मैं हॉस्टल के बाद घर आया तो तीन चार महीने बड़े उसमें चले गया था डिप्रेशन हो गया था कि यार क्यों पापा ने ड्रीम दिया खेलने के लिए फिर मुझ पर ताने मोहल्ले में सोचते थे क्यों पढ़ाई नहीं की अभी खेलने का हुआ सारा तो मैं फिर वापस गया फिर मैं पीछे मुड़ के नहीं देखा मैंने वो मुझे भैया थे दिनेश उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया क्या उसकी फैमिली बड़ी पढ़ाई लिखाई है आपको एक चांस मिला जो आप करना चाहते हो नहीं तो सबके घर में आप ट्वेल्थ करो ग्रेजुएशन करो अच्छा एम करो डॉक्टर बनना है डॉक्टर या गवर्नमेंट जॉब वैसे करो तो मैं वापस गया फिर मैंने सारे ट्रॉफ़ी खेली हो तो फिर जुनून आ गया फिर सीने, फिर परेशान करने आया मुझे परेशान करते थे मैं ग्राउंड के चक्कर लगाता था या बैटिंग करता था एक्स्ट्रा मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ने लगा फिर मैं पत्थर बन गया था एकदम और फिर मेरा अंडर फोर्टी में नाम आ गया था यूपी टीम से वो फिर जैसे ही मैं खेल के आता था फिर मैं 2002 में अंडर 19 इंडिया का कप्तान बन गया था मतलब खेलने गया था वाइस कैप्टन था मैं फिर वो रेस्पेक्ट मिल जैसे इंडिया लोगों आ जाता है छाती पे तो फिर उनको लगता है ये इज़ बैक टू वे ही बिलोंग्स तो वो मोटिवेशन बन गया था वो गुस्सा सारा वो hmm. वो मैंने एक्चुअली बड़े अच्छे से कंट्रोल किया मैं चार महीने ऑलरेडी परेशान था भी छोड़ के आया था वो मैंने कहा अब नहीं छोड़ना अब खेलना है देश के लिए खेलना है यूपी के लिए खेलना है फिर मेरी एयर इंडिया में स्कॉलशिप लगी थी सौरभ भाई उसने दस से बारह हज़ार रुपये महीना मिलता था और फ्लाइट के टिकट मिलने लगे थे जो कूपन्स आते हैं वो तो मेरा टाइम सेव होने लगा था वो पहले ट्रेन तो दो, दो दो दिन लगता था आप कहीं भी जा रहे हो बैंगलोर के टूर्नामेंट खेलने जा रहे हो तो वो दस हज़ार मुझे इतना फ़र्क पड़ा कि मैं घर पे फिर पैसे वापस करता था कि मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है वही कपड़े जूते जो स्पाइक आते वो हॉस्टल देता ही था वो तो वो बड़ा मेंटली बड़ा सपोर्ट मिल गया था वो जब ये आप हॉस्टल से वापस भागा कैसे भागे मतलब नहीं ट्रेन सामान रखा ट्रेन पकड़ी अपना आ गया वो तो बता के हॉस्टल में नहीं बताया नहीं मैंने कैसे सब सो रहे थे सीनियर थे वो मैंने कहा ऐसे मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ सर को मैंने बोला मेरी मैं तबीयत थोड़ी खराब है आई नीड टू गो होम कितना हो गया था परेशान तो बाद में फिर प्रिंसिपल ने बोला कि कहाँ है ये लड़का वो क्योंकि वो अपना वो पैसा भी वापस लेते ना बच्चों से कि वो पैसा अभी हमने एक साल इन्वेस्ट किया है तो अभी सारा पैसा देखते हैं कैसा है सारा वो तो फिर वैसे फिर ट्रेन में सामान फिर मैं घर गया मैंने बोला अभी छुट्टी है मेरी तो वहाँ से फिर फ़ोन आया कि आपका बच्चा यहाँ से आ गया तो फिर पापा ने फिर पूछा क्या आइए फिर मैंने बताया फिर पापा मैं बहुत परेशान हो गए थे फिर भैया मुझे वॉक पर लेके गए एक दिन क्या किया तुमने यहाँ तो बड़ा तू चौके छक्के की बातें करता था अब टाइम आया कुछ करने का तो छोड़ के आ गया वो फिर हमारे जो लेट कोच हैं अभी उनकी डेथ हो गई एसपी पी सर तो वो नीरज को साथ आए थे मेरे घर तब तो वो कहे अभी वापस चलो कोई परेशान नहीं करेगा तो वहाँ से भी रैगिंग कम हो गई थी सब सब डर गए थे सीनियर की कंप्लेन हो गई है प्रिंसिपल को कि बच्चे यहाँ तक ही वापस जा रहे हैं बता नहीं रहे फिर हमारे जो सैनी साहब थे उन्होंने काफ़ी उनको डांट फटकार लगाई हो सैनी साहब प्रिंसिपल थे निर्मल सिंह सैनी वो प्रिंसिपल थे जी